हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर सुनील कुमारी। इस वीडियो के जरिए आज मैं आपको ऐसी तीन टेक्निक्स या टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करके किसी भी एग्जाम में अपना मनचाहा स्कोर कर सकते हैं। आई बिलीव इन, यानी कि मेरा मानना है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचते हो आप वैसे ही बन जाते हो। आर थिंकिंग क्रिएट्स रियलिटी, जो भी घटित होता है वो पहले दिमाग में उपजता है, और यही मैंने इन तीन टिप्स में बताना है। सो फर्स्ट टिप इज इमेजिन विद ऑल योर माइंड। आपने पूरी मेंटल एक्सरसाइज करके ये इमेजिन करना है, एक इमेजिनेशन बनानी है। क्या इमेजिन करना है? व्हाट यू वांट टू अचीव, आप पाना क्या चाहते हैं, आपका टारगेट क्या है? क्या सिर्फ पास होना, फर्स्ट डिवीजन लेना, मेरिट में आना या टॉप करना? डिसाइड इट। सेकंड, जो आपको प्लान या इमेजिन करना है वो आपको सेट करना है योर लर्निंग स्टाइल। लर्निंग के कई स्टाइल्स होते हैं, जैसे ऑडिटरी लर्निंग बाय हियरिंग, सुनकर, विजुअल बाय वॉचिंग, रीडिंग साइलेंटली, कुछ लोग चुपचाप पढ़ते हैं, रीडिंग बाय स्पीकिंग, बोलकर, रीडिंग विद पार्टनर्स या फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके, रीडिंग विद बैकग्राउंड म्यूजिक, कुछ बच्चे तो बैकग्राउंड म्यूजिक चलाकर ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग बाय डूइंग, जैसे साइंस में या कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उनमें एक्चुअली उस काम को करके हम सीखते हैं। अब इतने स्टाइल्स में से आपको देखना है कि इन विच यू आर मोस्ट कम्फर्टेबल, विच इज योर बेस्ट स्टाइल, आपका बेस्ट स्टाइल कौन सा है, उसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट वन इज टाइम ऑर्गेनाइजेशन, आपको अपने टाइम का मैनेजमेंट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। इसमें तीन चीजें करनी है, टाइम ड्यूरेशन, यानी कि आपने ये डिसाइड करना है कितने घंटे पढ़ना है, और ये डिसाइड करने के लिए आपको कई चीजें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट वन इज टाइम की अवेलेबिलिटी, एग्जाम कितनी दूर है। पर्सनल एबिलिटी, आपकी ग्रेस्पिंग पावर, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या आप कह सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है। अगर आईक्यू लेवल हाई है तो आप थोड़े टाइम में ज्यादा सीख जाते हैं, और अगर लो है तो आपको थोड़ा सीखने के लिए भी ज्यादा टाइम चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही आपको अपने टाइम की ड्यूरेशन फिक्स करनी है कि इतने घंटे मुझे पढ़ना है। नेक्स्ट इज आपको डिसाइड करना है एट व्हाट टाइम, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, दिन में पढ़ना है। प्रेफर किया जाता है कि आप मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी सेंसेस ज्यादा एक्टिव होती हैं और हम जल्दी लर्न करते हैं। नेक्स्ट इज टाइम शेड्यूल, अब हमने अलग अलग टॉपिक्स को या सब्जेक्ट्स को कितना कितना टाइम देना है उसका एलोकेशन करना है, जिसे हम टाइम शेड्यूल कहते हैं। कब इंटरवल होगा, ब्रेक होगा, दैट्स ऑल्सो नेसेसरी। नेक्स्ट इज लास्ट, व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू ओवरलुक। एक स्मार्ट लर्नर वो होता है जिसे पता है कि क्या पढ़ना है और क्या ओवरलुक करना है, नहीं पढ़ना है। यानी कि आपने जो भी कंटेंट या सिलेबस है उसमें से ये छांट लेना है कि मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और लेस इम्पोर्टेंट कौन से हैं। मोर इम्पोर्टेंट को अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि उनको ज्यादा टाइम देना, फोकस भी ज्यादा करना है, और जो लेस इम्पोर्टेंट है उन पर को कम टाइम दिया जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमारे पास अगर टाइम की शॉर्टेज होती है तो हम हेडलाइंस देख लेते हैं, और जो अपने इंटरेस्ट की, जैसे बींग ए पर्सन, मेरा इंटरेस्ट किस में, या मेरा इंटरेस्ट ही नहीं, मेरे काम की सबसे ज्यादा न्यूज कौन सी होती है, बिजनेस न्यूज, तो मैं बिजनेस पेज वाले पेज को पढ़ती हूं। तो यानी कि ये देखना कि भाई मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये स्मार्टनेस भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो ये चार चीजें आपको प्लान आउट करनी है, इमेजिन करनी है अपने माइंड से। कौन कौन सी? फर्स्ट थी हमारी कि हमारा टारगेट क्या है, दूसरी थी हमारी कि लर्निंग स्टाइल क्या है, तीसरी थी कितना टाइम पढ़ना, टाइम का मैनेजमेंट, और चौथा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है।
इन चार चीजों को जो हमने इमेजिन की है, इनको हम अपनी लर्निंग प्रेफरेंसेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट टिप है हमारा, सेकेंड टिप, बिलीव विद ऑल योर हार्ट। माइंड का काम खत्म हो गया, अब दिल की बारी आती है। आपने दिल से इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि व्हाट यू इमेजिन विल सर्टेनली हैपन, क्योंकि जो सोचते हैं वही हैपन होता है। तो ये आपकी स्ट्रांग बिलीफ होनी चाहिए, इसमें आपको कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि जो मैंने इमेजिन किया वो नहीं होगा, दैट विल हैपन 100%, ऐसा आपका फेथ होना चाहिए। यानी कि फील ऑल इज वेल, एक थ्री इडियट्स मूवी का फेमस डायलॉग है जिसमें आमिर खान कहता है ऑल इज वेल ऑल इज वेल। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यही है कि इफ यू फील, कि भाई अगर आप पॉजिटिव फील करते हैं तो आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जो हमारी एबिलिटी या वर्किंग कैपेसिटी को इन्हेंस करता है, और जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे फेवर में आना शुरू हो जाते हैं। बी पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव सोच रखनी है, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी रहना है, और अपनी आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं कि आपका आईक्यू लेवल हाई है, आपको प्री नॉलेज बहुत है, या जो भी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट इन एग्जाम टाइम। तो सेकेंड टिप ये है। नेक्स्ट इज थर्ड टिप, अचीव विद ऑल योर माइट। अब माइट की बारी आ जाती है, दिमाग का काम हो गया, दिल का हो गया, अब करने की बारी यानी कि माइट की बारी है। अब माइट में क्या है कि जो आपने इमेजिन किया, दिल से एक्सेप्ट किया, अब उसे एग्जीक्यूट करना है, लेकिन कैसे? पॉजिटिविटी के साथ काम रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, हैप्पीनेस के साथ काम स्टार्ट करना, स्टडी स्टार्ट करना है, और मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, रास्ते से नहीं भटकना है, 100% आपको कंसंट्रेशन होना चाहिए। स्लीप वेल, अच्छे से सोएं। कई बच्चे हैं कि रात दिन लगे रहते हैं, वो एक अच्छी लर्निंग मेथड नहीं है। खाना अच्छे से खाएं, और सबसे जो ज्यादा जरूरी है कि जो भी की आइडियाज या टेक्निकल पॉइंट्स हैं जब आप पढ़ते हो तो उनको नोट डाउन जरूर कर लें, जिन्हें हम नोट्स मेकिंग कहते हैं। बिगिनिंग में आप नोट्स डिटेल में बना सकते हो, इसके बाद उन नोट्स को दोबारा से स्कैन कीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा, फिर उसमें से जो आपको और ज्यादा मोस्ट टेक्निकल पॉइंट्स लगते हैं तो उन पॉइंट्स को फिर अलग कर लीजिएगा, और फिर उनको दोबारा पढ़िएगा, और फिर उनमें से फिर कुछ जो सर्टेन या ज्यादा इम्पोर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट्स हैं उनको फिर एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा। इस तरह लास्ट में आपके पास फ्यू पेजेज ही होंगे, और वो भी वो पॉइंट्स होंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। आप फिर लास्ट में उन पर फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट इज, ये सब करने के बाद आपको अपनी नॉलेज टेस्ट करनी है, यानी कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आपने एक्चुअली सीख कितना पाए हैं। सो आप अपनी नॉलेज टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स करके, टेस्ट देकर, या मॉडल टेस्ट पेपर्स वगैरह करके, और आजकल तो मॉक टेस्टिंग के थ्रू भी आप अपनी नॉलेज टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉलिंग, रिकॉल करना कि भी आप जब आप स्पेयर टाइम है या खाली बैठे हैं तो जो भी कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है उसको रिकैप्चुलाइज कीजिएगा। ऐसा करने से वो जो भी कंटेंट आपने पढ़ा होता है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में सेट हो जाता है, और उसको आप भूलते नहीं है। और लास्ट में रिव्यू, ये रिव्यू लास्ट में करना है आपको। सो ये थी तीन टिप्स जो आपको फॉलो करनी है। पहले मेंटल वर्क है, माइंड का काम है इमेजिन करना, फिर दिल से उसे फील करना है, उसे एक्सेप्ट करना है कि दैट विल सर्टेनली हैपन, और लास्ट में बड़े काम वे में उस काम को करना है और टेक्निकल वे में उसको करते चले जाना है। सो
अगर आप तीन टिप्स को फॉलो करते हैं तो सर्टेनली यू विल अचीव व्हाट यू वांट। कंक्लूजन की बात करें तो वही तीन टिप्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन, इमेजिन विद ऑल योर माइंड, बिलीव विद ऑल योर हार्ट, अचीव विद ऑल योर माइंड। सो ये था कि एक स्मार्ट लर्निंग यानी कि स्मार्ट प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम कैसे की जा सकती है। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, और लास्टली आदाब, शुक्रिया, थैंक यू।